उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सुखपुरा थाना क्षेत्र के ब्लॉक बेरुआबरी के अंतर्गत ग्राम सभा गोपाल नगर कला प्रधान के ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की योजना अवैध वसूली करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 20,000 से लेकर 30,000 तक की अवैध वसूली करते हैं। अवैध के नाम पर बनाने के लिए एक ही खां गए हर जगह गाँव वासियों के लिए है। मीडिया के प्रबंधित जब पूछा गया तो प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि जाओ जाँच कर लो, मेरे खिलाफ मेरे पास आने का क्या फायदा है, अधिकारी मेरा कोई उखाड़ नहीं पाएगा। प्राइम बीके न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट बलिया। जी आवास मिला है? हाँ। कितना रुपया मिला था? 1,20,000 मिला था, तो 20,000 ले लिया हम इनका। 20,000 रुपये किसको आपने दिया? प्रधान जी को दिया, किसको आपने दिया? हरिंदर को दिया। हरिंदर और प्रधान दोनों जना ले। जी आवास मिला है आपको? कहाँ इतना पैसा मिला था आपको? 1,20,000। अच्छा, खाते मिला था या नगद मिला था या चेक मिला था? खाता पाई रहा। जी 1,20,000 उतारी थी आपने, किसी को दिया भी है कैश में पैसा बताइए? ये कहा गया तो उसमें से प्रधान 20,000 रुपये दिया गया है, आपने दिया है? हाँ। कितना दिया आपने? 20,000। प्रधान को हाथों में दिया आपने? ना। हाँ, वही जो खाता में से कटर है हम उतार के ना दिल रहे, हाथ में वहाँ के नहीं खी दिल हम का। जी प्रधान जी का नाम जानती हैं? ना, संजय महता। जी आवास मिला है आपका? आवास मिलल बा महाराज भाई की। कितना पैसा मिला है? पैसा मिलल बा 1,00,000 रुपये मिलल बा। 20,000 कहाँ गया? 20,000 ले बा के ले बा क्या ले बा? प्रधान जी ले। प्रधान किस बात के ले लिए हैं? क्या क्या है आपको दिक्कत? कुछ दिक्कत आवास है, पैखाना है, पैखाना का तो पैसा मिल गया है। आवास का? आवास का पैसा नहीं मिला है। 20,000 कौन लिया? 20,000 वो 20,000 उतार लिया है लोग सब लोग। कौन उतार लिया है? हरिंदर। हरिंदर कौन? हरिंदर गाँव में। सुरेंद्र प्रसाद जी कहाँ कराने वाले हैं? यही सपही मोजा का गोपाल नगर सपही। जी क्या आपको शौचालय बना है? कहाँ बना है? जो है तो इधर है और दूसरा कहाँ बना क्या है? आपने प्रधान से नहीं बोला? बोला तो वो सुनते नहीं है। क्या नाम उनका है? आपके प्रधान का नाम जानते हैं? प्रधान का नाम का नाम हो उनको उनका प्रतिनिधि कौन है? उनके पास जाते हैं आप कभी? जाते हैं? हाँ जाते हैं, जो काम पड़ता है। जी फसल मिला रहा तो जी सर आवास मिला है? कोरोना घिसते घिसते क्यों करते? आवास मिला है कि नहीं मिला? आवास मिला है नहीं? आवास नहीं मिला है? मिला है आवास नहीं मिला? हमें आवास नहीं मिला है? आवास नहीं मिला? सब चाले मिला था शायद, लेकिन अभी बनल नहीं। हां भाई बनल नहीं, खाली कोई बनेगा तो बनेगा। मैं प्रधान प्रतिनिधि संजय कुमार यादव जी की काम गांव का। जी हम आपसे जानना चाहते हैं, 4 साल आपका बीत चुका है कार्यकाल, 4 सालों में आपने कितना विकास किया अपने गांव में, या आपकी आबादी कितनी होगी आपके गांव की? गांव की आबादी कुछ 1600 है। और यहाँ इस ग्राम सभा में आपने यहाँ केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की तमाम योजना आई है कहाँ तक लागू किए हैं? जी हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं 2000 सूची के अनुसार 11 की जो सूची है आपके ग्राम सभा में कितना आवास मिला है? 42 मिला है। और केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है शौचालय, कहाँ तक आपके गांव में लाभ हुआ, कितने अभी बाकी रहेगा? लगभग हम लोग 98% लोगों को पैसा दे चुके हैं। जी और तीसरी बात हमें भी आप ये जानना चाहते हैं, आपके यहाँ 16 लाइट कुर्सियाँ लगी हैं क्या? नहीं लगी है। किस अभाव नहीं लग पाई है? किसी अभाव में नहीं लग पाई? अभी हमारा गांव विकास कार्य से छूटा था जी, हमारी प्राथमिकता में रोड और नाली पहले थी। जी जी तो आपके यहाँ रोड और नाली का काम जितने बजट आई है उसके हिसाब से हम कराए। जी जी हम आपसे भी जानना चाहते हैं, क्या आपकी कुछ मांगे हैं क्या जो आप ग्राम सभा को कुछ करना चाहते हैं? हम तो यही मांग करना चाहेंगे कि हमारा गाँव जो है हिंदुस्तान के लेवल पर जो हो, 1 नंबर पर हो। नहीं नहीं उसकी तो हो, मैंने कुछ मांगे होनी चाहिए, जैसे हमारा ग्राम सभा में यह है पानी टंकी है, चाहे जो भी चीज़ हो। तो कह रहे हैं कि हमारी तो इच्छाएं बहुत है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन